बाजी 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 कहाँ चला गया? जी सेठ जी, थोड़ी देर पहले तो यहीं था, इतनी रात को कहाँ गया होगा? राघव जी, जाके बाजी का पता करो, ऐसी हालत में वो कहाँ गया होगा? जी सेठ जी। बाजी, ये तुमने बनाई? हाँ, तुम्हें देख के ही तो बनाई थी 3 महीने पहले। What nonsense! हम अभी 2-3 दिन पहले ही मिले हैं और तुमने ये 3 महीने पहले कैसे बना ली? अब ये मत कहना कि देवसु के लोग भविष्य भी देख सकते हैं, मतलब कुछ भी। हाँ नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार 3 महीने पहले ही देखा था। याद है जब तुम नदी के पानी में गिर गई थी, तो मैंने ही तुम्हें नदी के बहाव से बचाया था। माय गॉड, तो वो तुम थे? इसका मतलब तुमने मेरी जान 2 बार बचाई। मैं क्या करूंगा, ये तो सब वो करता है, ये वही करता है। देखो, तुम्हें जिसे थैंक यू बोलना है तुम बोलो, लेकिन अब मेरे हीरो तो अब तुम ही हो। हीरो? हाँ। खैर, उस दिन पानी में कैसे गिर गई थी तुम, और हुआ क्या था उस दिन? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं देवसु गांव को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो अमराट में एक आदमी ने मुझे बताया कि देवसु गांव नदी के उस पार पड़ेगा। शायद यही है देवसु गांव। चलो, गांव तो मिल गया, लेकिन ये नदी कैसे पार करूं? चलो आगे चल के देखती हूँ। के बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे किसने बचाया, कैसे बचाया। जब मुझे होश आया तो नदी के किनारे एक पत्थर पे लेटी हुई थी मैं। तुम्हारी कहानी जहाँ खत्म होती है, वहाँ से मेरी शुरू होती है। बचाओ, हे, बचाओ, हे। मतलब ये कि जब तुम नदी के पानी में डूब रही थी, तो मैंने तुम्हें पहली बार वहीं देखा। कितनी सुंदर लड़की है ये, जैसे मेरी फूल पकड़ी। इन लगता है पानी पी गई, इसे होश में लाना होगा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी